कि हालत कब्ज अगर किसी शख्स पर तारी हो तो उस हाल में इकसीर का दर्जा रखती है यह सूरह मुबारक। इसलिए कि यह नाजिल हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी हालत कब्ज में। तमाम आयात अब मालूम होगा कि जैसे मोती पिरोए हुए, एक लफ्ज कब्ज, अब उसमें जो भी वाकयाती और जो मैंने आपको रिवायाती जो भी पस मंजर बयान किया वो भी फिट बैठ रहा है। वो खुदकुशी का मामला भी आ गया इसमें फिट बैठ रहा है कि बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी तबीयत पर इस दर्जे इस्तराब था, इतनी कैफियत जो है मेरी तशवीश की थी कि मेरे दिल में बार बार ख्याल आता था कि पहाड़ पर चढ़कर अपने आप को नीचे गिरा दूं। ये सारे मामला अब आपको महसूस होगा जैसे तमाम कड़ियां जो है वो जुड़ गई, जैसे रात को अब आप उठ नहीं पा रहे, इज्मेलाल है, आसाबी जो है आसाब इस दर्जे मुतासिर हो चुके हैं। सिर्फ ये एक एहसासात की कैफियत नहीं है, आपकी कुव्वत फेली जो है कुव्वत अमली वो भी इस दर्जे मुतासिर हो चुकी है कि कई रातें गुजर गई और आप रात को नहीं उठ सके। जिस पर कि उम्मे जमील को यह कहने का मौका मिल गया कि मालूम होता मोहम्मद तुम्हारा शैतान तुम्हें छोड़ गया। अब ये जुमला अपनी जगह पर इसकी काट है यकीनन इससे यजीक सदरों का बिमा यकूलून, लेकिन वो कैफियत जिसकी वजह से ये जुमला आया है उस पर निगाह दौड़ाइए, उस पर निगाह को मरकूज करेंगे तो मालूम होगा एक लफ्ज कब्ज, ये कब्ज की एक कैफियत थी। उस कब्जी की कैफियत का एक मजर यह है, क्योंकि ये भी तो दर हकीकत कल्ब मुबारक जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसी पर तो वही का नुज़ूल होता था, ये भी वही दाखिली एहसासात और कैफियात का मामला है, यही भी दर हकीकत ये वारदात कल्बिया ही का सारा मामला है। इसको आप खारिज से ताबीर नहीं कर सकते, ना भी कोई ऐसे मसाइब थे, ना ऐसी कोई मुश्किलात थी, ना अभी कोई रद्दो कदा ऐसी शुरू हुई, ना अभी कोई बहसो नजा का मामला ऐसा हुआ, ना कोई अभी कोई फिजिकल प्रोसिक्यूशन शुरू हुई, ये सब दाखिली ही कैफियात है। और उन दाखिली कैफियात के हवाले से इन सूरह मुबारक को अगर सही समझा है तो सूफिया ने समझा, वो जो इकबाल का शेर है कि कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। और कौन समझेगा, वो तो समझेगा कि दुखे हुए वो दिल की सदा है, वो क्या है जो इकबाल की उस एक नजम है परिंदे की फरियाद, गाना इसे समझकर खुश होना सुनने वाले, ये तो दर हकीकत एक दुखे हुए दिल की सदा फरियाद ये सदा है। तो ये कैफियत जो है रिजवान समझ सका है, जो कि दारोगा जन्नत है उसने समझा, ये वही आदम जो निकाला गया था यहां से, ये उसकी फरियाद है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, उसको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो वाकया ये है कि इस सूरह मुबारका का सही सही फहम अगर हासिल हुआ है वो इमाम राजी को हासिल हो ही नहीं सकता, वो अक्ल और मंतिक की गुथियां सुलझाने वाले आदमी हैं, अपनी जगह उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत। ये लुगत और अदब का कोई खास मसला इसमें है ही नहीं कि जमक्षरी इसमें कोई जौलानी दिखाएं अपनी, इसमें कोई ऐसा इश्काल है ही नहीं, नहवी इश्काल ही नहीं, लेकिन ये वारदात कल्बिया का मामला है, एहसासात बातनी का मामला है, ये नफ्सियात इंसानी का मामला है। और इसको वही समझ सकते हैं कि जो माहिरीन इल्म नफ्स है, और वो है सूफिया किराम हमारे यहाँ, जिनका वो ज़ौक है बातनी कैफियात एहसासात जिनका मौजू कि ये दर हकीकत हालत है।